हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर वन, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इंग्लिश बुक ग्रेड 8 से। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, कॉम्प्रिहेंशन चेक है या जो एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, उनके क्वेश्चन आंसर्स को हम पूरी तरह से इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट वन का। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। जो वो कबाड़ की शॉप में गया, वहां उसको एक्चुअल में क्या मिला ऑथर को? तो आंसर है कि ऑथर को जो है एक रोल टॉप डेस्क मिली, जो कि बहुत ही पहले यानी अर्ली 19th सेंचुरी की बनी हुई थी और ओक की लकड़ी की थी। वो हालत उस जो टेबल की थी वो बहुत ज्यादा बुरी थी। उसका जो रोल टॉप था वो कई टुकड़ों में टूटा हुआ था। एक जो उसका पैर था टेबल का, वो बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं अजीब तरीके से उसको ठीक करा गया था, और एक तरफ पूरे उसमें जैसे जलने के जो होते हैं वो वाले मार्क्स बने हुए थे। What did he find in a secret drawer? Who do you think had put it in there? ऑथर को जो है सीक्रेट ड्रॉअर में एक छोटा सा काले रंग का टिन का डब्बा मिला। ये हो सकता है जो इस डेस्क का ओनर होगा, उसने जो है उसके अंदर रखा। कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट टू, Who had written the letter to whom and when? लेटर किसने किसको लिखा और कब लिखा? तो ये जो लेटर था, इट वॉज रिटन बाय अ कैप्टन इन द ब्रिटिश आर्मी, जिम मैकफर्सन। ये लेटर जो है ब्रिटिश आर्मी के जो जिम मैकफर्सन थे, वो कैप्टन थे, उन्होंने लिखा था। लिखा उन्होंने अपनी वाइफ कोनी को था, यानी मिसेस जिम मैकफर्सन को, और जो डेट थी वो थी December 26, 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द लेटर रिटन? व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड? लेटर क्यों लिखा गया और ऐसी क्या अच्छी घटना हुई थी जिसके लिए वो लिखा गया था? तो द लेटर वॉज रिटन टू डिस्क्राइब द वंडरफुल इवेंट दैट हाउ टू आर्मीज, द ब्रिटिश एंड द जर्मन, हु वर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर। ये जो लेटर था वो उन्होंने इसलिए लिखा कि वहां पर जो है वॉर के बीचों बीच एक ऐसी घटना हुई कि दोनों आर्मीज, ब्रिटिश और जो जर्मन थे, जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने क्रिसमस जो है वो साथ में सेलिब्रेट किया। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स? हैंस वुल्फ और जिम मैकफर्सन क्या करते थे जब वो सोल्जर्स नहीं थे? तो हैंस वुल्फ जो है ही प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा व्हाइल जिम मैकफर्सन वाज अ टीचर। हैंस वुल्फ जो है वो सेलो बजाते थे ऑर्केस्ट्रा में, जबकि जिम मैकफर्सन जो है वो एक टीचर थे। हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट? व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? क्या कभी हैंस वुल्फ जो है वो डॉर्सेट गए, और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो उसके बारे में जानते हैं? तो आंसर है कि नो, ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट नॉर इवन बीन टू इंग्लैंड। ना वो कभी डॉर्सेट में उन्होंने कदम रखा, ना कभी वो इंग्लैंड गए। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। जो भी उन्होंने अब तक इंग्लिश बुक्स पढ़ी या जो भी उन्होंने जो है स्कूल से जाना इंग्लैंड के बारे में, सिर्फ उसी से उन्होंने सीखा था। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी एंड हिज फेवरेट बुक वॉज फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। उनके जो फेवरेट राइटर थे वो थे थॉमस हार्डी, और उनकी जो फेवरेट बुक थी वो थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डिड यू नो दिस? जिम मैकफर्सन जो है क्या कभी वॉर से वापस लौट कर आए? आपको इस बारे में कैसे पता? तो आंसर यही है कि जिम मैकफर्सन नेवर केम बैक फ्रॉम द वॉर। वो कभी लौट कर नहीं आए। दैट्स व्हाई हर वाइफ केप्ट ऑल हिज लेटर्स। और इसी वजह से जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने जितने भी उनके लेटर्स थे वो सब संभाल कर रखे हुए थे। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट थ्री, व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिटपोर्ट? जो ऑथर थे वो ब्रिटपोर्ट क्यों गए? तो ऑथर वेंट टू ब्रिटपोर्ट टू मीट मिसेस जिम मैकफर्सन एंड टू डिलीवर हर द लेटर। वो जो लेटर उनको एक स्मॉल टिन बॉक्स में मिला था, उन्होंने सोचा क्यों ना ये जो पर्सनल लेटर है किसी का, उसको वापस कर दिया जाए। तो उन्होंने सोचा कि वो ब्रिटपोर्ट जाके वहां मिसेस जिम मैकफर्सन को जो है उस लेटर को वापस दे के आएंगे। हाउ ओल्ड वॉज मिस जिम मैकफर्सन नाउ? वे वॉज शी? इस समय मिसेस मैकफर्सन की उम्र क्या थी और वो कहाँ थी? तो मिसेस मैकफर्सन वॉज 101 ईयर्स ओल्ड नाउ एंड वॉज इन अ नर्सिंग होम एट अ बर्लिंगटन हाउस ऑन अ डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। मिसेस मैकफर्सन जो थी उनकी इस वक्त उम्र 101 साल की थी, और वो जो है एक नर्सिंग होम में थी जो कि बर्लिंगटन हाउस पे था, डॉर्चेस्टर रोड पे, और ये जो टाउन है उसके दूसरी तरफ था। कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट फोर, हु डिड कोनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉज? अब कोनी मैकफर्सन ने क्या सोचा कि वो विजिटर कौन था? कोनी मैकफर्सन थॉट दैट द विजिटर वाज हर हस्बैंड जिम मैकफर्सन। उन्हें ये लगा कोनी मैकफर्सन को कि वो जो विजिटर उनसे मिलने आया है वो जिम मैकफर्सन ही है।
Which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? कौन सा ऐसा सेंटेंस टेक्स्ट में दिया गया है जिससे ये पता चलता है कि विजिटर जो है अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था? तो उसका आंसर है कि आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क अबाउट हाउ आई फाउंड इट बट आई डोंट थिंक शी वाज लिसनिंग। विजिटर ने बात बताने की उनको कोशिश करी किस तरह से उन्होंने डेस्क खरीदी, उसमें उनको ये जो लेटर था वो मिला, लेकिन वो जो है उनकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, जैसे वो उनकी बात को सुन ही नहीं रही थी। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब कोनी जो है उन्होंने उनके जिम के लेटर जो है कब तक रखे, आंसर दीजिए इसका या कोई रीजन बताइए। तो इसका आंसर है कि कोनी हैड लास्ट लेटर ऑफ जिम डेटेड जनवरी 25, 1915 में जो जिम का लास्ट लेटर था जनवरी 25 का, वो उनके पास था। तो उन्होंने एक तरह से उनके जो लेटर्स थे वो बहुत लंबे समय तक रखे थे। As she told the author that she kept on reading his letters very often every day, which makes her feel that Jim was nearby her. क्योंकि जब ऑथर ने उनको लेटर दिया तो उन्होंने उनसे यही कहा कि वो उनके लेटर्स को बार बार पढ़ती रहती थी, हर दिन पढ़ती थी, जिससे उनको ये फील होता था कि वो जो है उनके आसपास ही है। Why do you think the desk has been sold and when? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो जो डेस्क थी वो बेच दी गई थी और क्यों, कब बेची गई? तो आंसर है द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन द हाउस हैड कॉट फायर इन व्हिच कोनी मैकफर्सन लिव्ड। जिस घर में कोनी मैकफर्सन रहती थी उस घर में आग लग गई थी। हो सकता है सामान उसमें जो जल गया था या जो बच गया हो उसे फिर बाद में बेच दिया गया हो। शी वॉज शिफ्टेड फ्रॉम देयर एंड टेकन टू द नर्सिंग होम। वहां से कोनी मैकफर्सन को हटा लिया गया था, उन्हें जो है एक नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया गया था। All the burnt up things might have been sold after that. और हो सकता है उसके बाद ही सारी चीजों को बेचा गया हो, जितनी भी चीजें जल गई थी। The desk was in a bad condition with the roll top in several pieces, one leg clumsily mended and scotch marks all down one side and finally landed in a junk shop. अब जिस तरह से चीजें जल गई थी उसमें ये roll top desk भी थी, जिसका जो roll top था वो कई टुकड़ों में टूट चुका था। टेबल बहुत बुरी कंडीशन में थी, उसका एक लेग जो है बहुत खराब तरीके से सही किया गया था और एक तरफ जले हुए के निशान थे। तो फाइनली उसको जो है कबाड़ की शॉप पे बेच दिया गया। Why do you gym and hangs think that games or sports are good way of resolving conflicts? Do you agree? Gym और hangs को ऐसा क्यों लगता था कि गेम्स या स्पोर्ट्स जो है वो सबसे अच्छे तरीके हैं कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? तो जिम और हैंस जो है वो ये सोचते थे कि गेम्स और स्पोर्ट्स आर वेरी गुड वे ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिकॉज नोबडी डाइज इन मैचेस। उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये सबसे अच्छा तरीका है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का, क्योंकि इसमें जो मैच होते हैं इनमें कोई मरता नहीं है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड एंड नो वाइफ बिकम विडो। ना तो कोई बच्चे अनाथ होते हैं ना ही कोई वाइफ जो है वो विडो होती है। ड्यू टू दीज रीजंस गेम्स आर गुड वे ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। एक तरह से ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम अपने मतभेदों को सॉल्व कर सकते हैं। Yes, I do agree with this statement. मैं भी इस पूरे स्टेटमेंट से इत्तेफाक रखते हूँ, क्योंकि वॉर ओनली लेड टू द किलिंग्स ऑन बोथ साइड्स, हार्ट ब्रेक, सेपरेशन, पेन, सफरिंग, डेथ एंड डिवास्टेशन, अ लॉस टू बोथ द साइड्स ऑफ आर्मीज। वॉर जो होता है उसमें क्या है, नुकसान ही नुकसान होता है। दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं, दिल टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं लोग, दर्द होते हैं, पेन होता है, मारे जाते हैं, मर जाते हैं या तबाही आ जाती है। तो अगर दोनों ही तरफ की आर्मीज को देखें तो एक ही तरह का नुकसान दोनों पार्टी जो है वो उठाती है। डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। क्या आपको लगता है कि जो सोल्जर्स दोनों आर्मीज के थे वो एक ही जैसे थे या एक दूसरे से अलग थे? आपको स्टोरी में ऐसे कुछ प्रूफ देने हैं जिससे आपके अपने आंसर को सपोर्ट कर सके। तो इसका आंसर है कि द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज वर लाइक ईच अदर, एक ही जैसे थे दोनों तरफ के सोल्जर्स जो हैं। बोथ द ट्रूप लेट देयर ट्रेंचेस एंड सेलिब्रेटेड क्रिसमस इन नो मैन्स लैंड टुगेदर। दोनों ही ट्रूप के जो सिपाही थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने अपनी अपनी ट्रेंच को छोड़कर वो लोग आगे आए और उन्होंने कैसे जो क्रिसमस था वो एक ऐसी जगह मनाया जहाँ पर कोई इंसान नहीं था, नो मैन्स लैंड थी, कोई नहीं रहता था, वहाँ पर लोगों ने मिलकर क्रिसमस मनाया। एक दूसरे का उन्होंने खाना शेयर किया, सब लोग स्मोक कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे और खा रहे थे। दे इवन टॉक्ड अबाउट द बुक्स दे लाइक, यहाँ तक कि जो बुक्स उनको पसंद थी उसके बारे में भी उन्होंने बातचीत करी। हर चीज़ पर वो लोग जो है एक दूसरे से एग्री कर रहे थे। फिर उन्होंने जो है गेम खेला फुटबॉल का, जिसमें हैंस और जो जिम थे उन्होंने चीयर भी किया, हाथ से तालियां भी बजाई और पैर भी जो है उन्होंने उनके अपने जो फीट थे उनको स्टैंपिंग भी करी, यानी पैरों से भी जो है एक तरह से आवाज करी। बोथ साइड एक्सचेंज कैरल्स इन नाइट, दोनों ने ही कैरल्स गाए रात में। मोर ओवर दे हैड द सेम व्यू दैट वॉर्स ओनली अबाउट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन एंड विच दैट वॉर्स कुड बी रिजॉल्व लाइक फुटबॉल मैच
where no children are orphaned and no wife becomes widow. दोनों का ही एक ही मत था कि वॉर जो है वो सिर्फ मारना और तबाही ही लेके आते हैं, इसलिए वो चाहते थे कि वॉर जो है इस फुटबॉल मैच की तरह जो है सॉल्व हो जाने चाहिए, जिसमें ना कोई बच्चे ना हो ना कोई वाइफ विडो हो. दे होप दैट द वॉर वुड एंड सून एंड दे कुड ऑल गो होम एंड बी यूनाइटेड विद देयर फैमिलीज. दोनों ये उम्मीद कर रहे थे कि ये वॉर जल्दी खत्म हो जाए और सब लोग अपने घर लौट जाएं और अपनी फैमिली से दोबारा मिल सके. All these instances shows that the soldiers of the two armies were similar to each other. तो इससे ये पता चलता है कि दोनों ही armies के जो soldiers थे वो काफी एक दूसरे से similar थे. Mention the various ways in which the British and the German soldiers become friends and find things in common at Christmas. अब आपको बताने हैं वो कौन कौन से तरीके थे जिसमें ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स जो हैं वो एक दूसरे दोस्त बन गए और कुछ चीजें उनको कॉमन लगी क्रिसमस के दौरान. तो ब्रिटिश एंड द जर्मन ट्रूप सेलिब्रेटेड क्रिसमस विद ईच अदर बाय लीविंग देयर ट्रेंचेस एंड मीटिंग इन नो मैन्स लैंड. सबसे पहले तो जो ब्रिटिश और जर्मन ट्रूप्स थे उन्होंने क्रिसमस साथ में मनाया, एक दूसरे के अपनी ट्रेंचेस को छोड़कर वो लोग आगे आए और वहां पर मिले जहां कोई नहीं था, नो मैन्स लैंड में. दे एंजॉयड ईच अदर्स फूड, एक दूसरे के खाने को उसने इन लोगों ने एंजॉय किया. दे शेयर देयर रम एंड स्नैप्स एंड सॉसेजेस विद ईच अदर, जो भी उनके पास खाने की चीजें थी पीने की चीजें थी उन्होंने एक दूसरे से वो शेयर करी. ऑल ऑफ देम वर स्मोकिंग लाफिंग टॉकिंग ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, सब अच्छे से अपना स्मोक कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे या खा रहे थे. हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन शेयर द क्रिसमस केक कोनी हेडबिंग. अब यहीं पर जो हैंस वुल्फ और जिम मैकफर्सन थे उन लोगों ने भी आपस में क्रिसमस केक शेयर किया. जिम मैकफर्सन की जो वाइफ थी कोनी, उन्होंने जो केक बना के भेजा था वो जो है जिम मैकफर्सन ने हैंस वुल्फ के साथ शेयर किया. दे टॉक्ड अबाउट देयर लाइफ बिफोर द वॉर, देयर फैमिलीज, द बुक दे हैड रेड, बाथशेबा, गैब्रियल ओक, सार्जेंट रॉय एंड डॉर्सेट. अब उन्होंने बहुत सारी बातें करी अपनी जिंदगी के बारे में, वॉर से पहले कैसी थी, अपने परिवार के बारे में, कौन कौन सी बुक्स पढ़ना पसंद है, फिर बाथशेबा के, गैब्रियल ओक के, सार्जेंट ट्रॉय के और डॉर्सेट, सबके बारे में उन्होंने खूब बातें करी. दे एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हर चीज पे वो लोग एक दूसरे से सहमत थे. बोथ द ट्रूप्स प्लेड अ गेम ऑफ फुटबॉल विच फॉर विच बोथ हैंस एंड जिम चीयर्ड क्लैपिंग हैंड्स एंड स्टैम्प फीट. दोनों ही ट्रूप्स ने जो है फुटबॉल मैच खेला जिसमें जो हैंस और जिम थे उन्होंने चीयर किया, तालियां बजाई और अपने फीट से भी आवाज करी. दे ऑल्सो एक्सचेंज कैरल्स लाइक साइलेंट नाइट एंड व्हाइट शेपर्ड्स वॉच एट नाइट. दोनों ने जो है कैरल्स एक्सचेंज किए, साइलेंट नाइट और व्हाइट शेपर्ड्स वॉच ये लोग ये कैरल्स गाए. इन दिस वे दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस अ टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल टुगेदर फाइंडिंग अ लॉट इन कॉमन इन बिटवीन देम. तो इस तरीके से उन लोगों ने एक क्रिसमस जो सेलिब्रेट किया वो ऐसा समय था जब चारों तरफ शांति थी, एक दूसरे से वो सब अच्छे उससे वो मिल रहे थे और बहुत कुछ उनको ऐसा लग रहा था जो उनके बीच में कॉमन है. व्हाट इज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट, व्हाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. कोनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था और क्यों वो सबसे अच्छा और खास क्रिसमस प्रेजेंट था दुनिया का. व्हेन ऑथर केम टू सी कोनी एंड गेव हर द बॉक्स शी मिसअंडरस्टूड हिम फॉर हर हस्बैंड चिप. जब ऑथर जो है कोनी को वो बॉक्स देने के लिए आए जिसमें उनका लेटर था तो कोनी ने समझा कि उनके हस्बैंड जिम आ गए हैं. शी थॉट दैट जिम हैड केप्ट हिज प्रॉमिस एंड केम होम फॉर क्रिसमस. उन्हें ऐसा लगा जिम ने अपना प्रॉमिस रखा और वो घर पर वापस लौट के आए हैं क्रिसमस के दौरान. दिस वॉज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट और शायद यही कोनी का क्रिसमस प्रेजेंट था. इट वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर बिकॉज जिम हैड रिटन इन द लेटर दैट ही वुड कम होम ऑन क्रिसमस. और उनके लिए सबसे शानदार तोहफा था क्रिसमस का पूरी दुनिया में क्योंकि जिम ने जो है अपने लेटर में लिखा था कि वो जो है क्रिसमस के दौरान घर जरूर आएंगे. शी हैड दैट रेड दैट लेटर सेवरल टाइम्स एवरी डे टू फील दैट ही वाज नियर बाय हर एंड ट्रूली बिलीव दैट ही वुड वन डे रिटर्न टू हर. वो उस लेटर को हर वक्त हर दिन पढ़ती थी और उनको इस समय ऐसे महसूस होता था जैसे वो उनके पास हैं और उन्हें ये उम्मीद थी कि एक दिन वो जरूर लौट के आएंगे. Now that he was finally there with her and she could hear his voice again, she was extremely happy. और जब उन्हें ऐसा लगा कि वो वाकई में उनके पास आ गए हैं, वो उनकी आवाज़ सुन सकती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई. Do you think the title of this story is suitable for it? Can you think of any other title? कोई और title आपको लगता है इस story के लिए suitable हो सकता है या यही title जो है बिल्कुल appropriate है? तो According to me, this title is appropriate for the story because it is revolving around a Christmas theme. एक तो सबसे पहले इसकी पूरी स्टोरी की जो थीम है वो क्रिसमस बेस्ड है और फॉर हर इट वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट एंड इवन जिम ऑल्सो हैड रिटन इन द लेटर दैट ही विल कम बैक ऑन क्रिसमस. जिम मैकफर्सन जो थे उन्होंने अपने लेटर में लिखा था कि वो क्रिसमस पर लौट के आएंगे अपने घर, तो जो कोनी मैकफर्सन थी उनके लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था.
अगर हमारी तरफ से सोचे तो अलग कोई और टाइटल हो तो बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट एवर, ये भी टाइटल हो सकता है। अब बात करते हैं एक्सरसाइजेस की। लुक एट दी सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। अभी आपको कुछ सेंटेंसेस जो है स्टोरी से वो बताए गए हैं। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रेडपोर्ट। द मैन सेड दैट इट वॉज मेड इन द अर्ली 19th सेंचुरी। दिस वॉज इन अ बैड कंडीशन। द इटैलिसाइज्ड वर्ब्स आर इन द पास्ट टेंस। दे टेल्स अस व्हाट हैपेंड इन द पास्ट बिफोर नाउ। मेरे को जो है जंक शॉप में ये रोल टॉप डेस्क देखने को मिली थी। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत पुरानी 19th सेंचुरी की थी, बहुत बुरी हालत में थी। तो एक तरह से जो भी चीजें हैं वो सब पास्ट टेंस में बताई गई हैं। पास्ट टेंस का मतलब है जो चीज पहले से हो चुकी है। तो अब आपको बताना है कि रीड द पैसेज बिलो एंड अंडरलाइन द वर्ब्स इन द पास्ट टेंस। जो भी इसमें सेंटेंसेस है पास्ट टेंस में जो भी दिए हुए वर्ब्स उनको बताना है। अ मैन गॉट ऑन द ट्रेन एंड सेट डाउन, तो इसमें है गॉट और सैट। द कंपार्टमेंट वॉज एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर वन लेडी। कंपार्टमेंट खाली था, सिर्फ एक लेडी थी, तो वॉज। शी टुक्स हर ग्लव ऑफ, उन्होंने अपने ग्लव्स उतार दिए। अ फ्यू आवर्स लेटर द पुलिस अरेस्टेड द मैन। कुछ घंटों बाद पुलिस जो है आदमी को अरेस्ट कर ले गई। तो अरेस्टेड वर्ब है पास्ट टेंस में। दे हेल्ड हिम फॉर 24 आवर्स एंड देन फ्रीड हिम। उन्होंने उसे 24 आवर्स तक पकड़ के रखा और फिर छोड़ दिया। तो हेल्ड और फ्रीड। अब है कि आप नए सेंटेंसेस दिए गए हैं कुछ। नाउ लुक एट दी सेंटेंसेस। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जो उसकी कवरिंग थी वो पूरी तरह से उखड़ चुकी थी। बोथ फायर एंड वाटर हैड टेकन देयर टॉल ऑन द डेस्क। मतलब पानी और आग दोनों ने ही अच्छा इसके अंदर डेस्क के समावेश कर लिया था। नोटिस द वर्ब फॉर्म्स हैड लिफ्टेड हैड टेकन देयर टॉल। यहाँ पर वर्ब फॉर्म्स कैसी दी हुई है, हैड लिफ्टेड हैड टेकन। द ऑथर फाउंड एंड ब्रॉट द डेस्क इन द पास्ट। ऑथर ने जो है ये डेस्क को जब उसको मिली वो लेकर आया। ये चीज पहले ही हो चुकी। द डेस्क वॉज डैमेज बिफोर द ऑथर फाउंड इट एंड बॉट इट। अब ये डेस्क उससे भी पहले खराब हो चुकी थी जब ऑथर को मिली या वो खरीद के लाया। फायर एंड वाटर हैड डैमेज्ड द डेस्क बिफोर द ऑथर फाउंड इट एंड बॉट इट। जो फायर है या जो वाटर है उसकी वजह से ये डेस्क पहले ही खराब हो गई थी जब ऑथर ने इसको ढूंढा और लेकर आया। वी यूज वर्ब फॉर्म्स लाइक हैड डैमेज्ड फॉर एन इवेंट इन द अर्लियर पास्ट। अब हम पहले की बात बताने के लिए बोल रहे हैं हैड डैमेज्ड। If there are two events in the past, we use the had form for the event that occurred first in the past. अगर दो घटनाएं हुई हैं पास्ट में तो हम जो है had form का इस्तेमाल करते हैं उस घटना को बताने के लिए जो पहले occur हुई है पास्ट में। We also use the past perfect tense to show that something was wished for or expected before a particular time in the past. पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल भी किया जाता है अगर हम उस चीज को बताना चाहें कि जिसकी हमने इच्छा करी थी या एक्चुअल में पर्टिकुलर टाइम से पहले वो घटना हो गई। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आई हैड ऑलवेज वॉन्टेड वन। अब एक यहाँ पर आपको जो है सेंटेंस दिए हैं। डिस्कस विद योर पार्टनर द डिफरेंस इन द मीनिंग्स इन द सेंटेंस बिलो। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। मैं जब स्टेशन पहुंचा तब तक ट्रेन जा चुकी। तो ये यहाँ पर आपको दो सेंटेंसेस दिए गए हैं।